अगर आपने हमारा चैनल कुकिंग विद नाज़िन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, ठीक हो? तो मैं आज की अपनी रेसिपी के बारे में आपको बताती हूँ। मैं पका रही कड़ी बेसन वाली, तो पकौड़ों वाली, ठीक है, उसके साथ चावल। आई एक पाव बेसन है, 3 पाव दही, ठीक है, प्याज, घी। तो मैं अब घी डालती हूँ अपनी, बिस्मिल्लाह। ये हम घी डाल रहे हैं, ठीक है। अब ये ना घी डाल के ना इसे हम पकने रख देते हैं। तो ये दही इसमें डाल के इसमें डाल लेते हैं, ये बेसन। ये देखिए, ये मैं फेंटती हूँ। मेरे बहन भाइयों ने कहा था कि आप कढ़ी पकाना बताएं, तो मैंने कहा कढ़ी बनाना ना मैं आपको बताती हूँ। कढ़ी ये ना मैं ना आपको बताती हूँ। इधर प्याज ब्राउन कर, ये 1 चम्मच लहसुन का मैं डाल रही हूँ, ये भूल ना जाए। तो फिर इसमें हम मसाले डालते हैं, ये भून लेते हैं इनको। कुछ भी जो उसमें लगी उसमें 1 चम्मच हल्दी का, 1.5 चम्मच मिर्चों का, 1.5 चम्मच नमक का। आइए अब कढ़ी में डालते हैं, थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं। इसे 5 मिनट घुमा घूमते हैं इसे। अब देखेंगे मसाले ने ना घी छोड़ दिया, ये हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह भुना गया है। तो अब इसमें ना ये बेसन और ये दही डाल दी। देखिए अब इसे उबाला आने देते हैं, उबाला आ जाएगा ना फिर इसकी आंच हल्की कर देंगे। ये देखें कढ़ी पक रही है, अच्छी तरह उबाले आ रहे हैं। अब मैंने ना अच्छी तरह ना हल्की आंच कर दी है, ये पक रही है कढ़ी। अब हम ना बेसन की तरफ चलते हैं, पकौड़ों के बेसन की तरफ। ये देखें मैंने ना ये प्याज पालक पकौड़ों के लिए डाली है, काट के धो ली थी मैंने वो।
और ये हम पकोड़े बनाएंगे कढ़ी के लिए। ये सूखा धनिया डाल दिया मैंने इसमें, ये सूखा धनिया ना मैं कढ़ी में डाल देती हूँ। ये हरी मिर्चें, ये हरी मिर्चें कढ़ी में डालने के लिए, ये धनिया कढ़ी में डालना है। अब हमने इसमें ना मिर्चें नमक डाल देते हैं, ये एक चम्मच मिर्च नमक का, एक चम्मच भर के मिर्चों का पकौड़ों के लिए। ये अनारदाना, ये एक कटोरी बेसन की। अब ये मैं घोल लेती हूँ, फिर मैं आपको ना पकोड़े बनाने में बताती हूँ। ये देखें हमारी कढ़ी अब तैयार हो गई है। अब हम ना इसमें गरम मसाला डालते हैं आधी चम्मच। ये देखें गरम मसाला डाल दिया मैंने, बहुत अच्छी है। और मम्मा इसके ऊपर घी भी इतना प्यारा लग रहा है। हाँ घी भी, अगर ये खट्टी हो ना दही तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये अब ना खट्टी है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। नमक मिर्च हर चीज़ मैंने ना सही कर दी है इसकी। तो अब ना हम ना इसमें ना धनिया भी डालते हैं। हरा धनिया, हरा धनिया, हरा धनिया डालती हूँ। अब हमारी कढ़ी तैयार है मम्मा। हाँ कढ़ी तैयार है, कलर तो बहुत अच्छा आ गया, घी भी ऊपर आ गया। और ये मैं अब धनिया डालने लगी हूँ, बहुत प्यारा लग रहा है। तो आप ट्राई जरूर करें, आपको बहुत पसंद आएगी। लेकिन साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करें, शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया तो जाएं और बेल आइकन पर क्लिक करें और हमारा हौसला अफजाई करें। ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब हम ना पकौड़ों की तरफ चलते हैं, अब पकौड़े बनाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें ये घी भी आ गया इसके ऊपर। अब देखें ये घी गर्म हो गया, अब बिस्मिल्लाह करके हम डालते हैं। अब कढ़ी के लिए ना ये पकौड़े बना रही हूँ मैं। तो फिर ये कढ़ी में ना पकौड़े ना बन जाएंगे ना, तो फिर ये डाल के ना कढ़ी हमारी तैयार हो जाएगी। इन्हों में ना बेसन में सूखा धनिया, अनारदाना, नमक मिर्च ये डाली हुई है, हरी मिर्च है इसमें, धनिया है, पालक है, बेसन है। अब ये पकौड़े बन रहे हैं। अब ये पकौड़े ऊपर आएंगे ना तो फिर मैं उल्टाऊंगी, पकौड़े ऊपर आएंगे ना फिर मैं उल्टाऊंगी। अभी ये पक रहे हैं और ये देखिए ऊपर आने शुरू हो गए। हमने पकोड़े हल्की आंच पर बनाने हैं कि तेज आंच पर? बस दरमियानी आंच पे। ये देखो ना मैंने उल्टा दिए, अब ये ना ब्राउन से हो जाएंगे ना फिर ये पक जाएंगे। ये मैंने उल्टा दिए,
मेरे हाथ की कढ़ी तो वैसे सारे पसंद करते हैं, मैं अपने दोस्तों को भी बेचती हूँ, मोहल्लेदारों को भी और अजीज़ रिश्तेदारों को, वो पसंद करते हैं। आप भी ट्राई करें, ज़रूर आपको भी पसंद आएगी। कढ़ी ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, आसान सी मैंने तरीके से बताई है आपको, अब बनाना बहुत मज़े की बनेगी। और साथ इसके चावल, क्या बात है, फिर आप खाएं और मज़ा आ जाएगा। बस ये ना आप कलर ले लेंगे ना तो फिर मैं इन्हें ना निकाल लूँगी। रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं, चावलों के साथ भी, जैसे आपका दिल चाहे। आप हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कैसी बनी है, ताकि हमें पता चले कि हमारे व्यूवर्स हमारी बनाई हुई रेसिपीज़ को ट्राई कर रहे हैं। और हमसे ज़रूर शेयर कीजिए और हमारी रेसिपी को आगे से ज़्यादा फॉरवर्ड करें और अपने दोस्तों अजीज़ों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे किसी ने कहा भी था आप ना कढ़ी बनानी सिखाएं, मैं आपको ना इसलिए सिखाई है तो इससे ना मैं आपको गोश्त वाली भी सिखाऊंगी कढ़ी बनानी, कैसे हम लोग गोश्त वाली भी बनाते हैं। ये मैंने कोड़ों वाली बनाई है ना, तो मैं गोश्त वाली भी आपको किसी दिन ना बनाना सिखाऊंगी। तो ये आप ज़रूर शेयर करें और चखें और आपको देखना कितनी लजीज लगेगी और मज़ा आ जाएगा। बस हमारे पकौड़े तैयार होने वाले हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे, फिर इसे तरह ना और पकौड़े भी तल लेंगे। ये देखिए इसका कलर ना हो गया तैयार, पकौड़े तैयार हो गए हैं। और देखें कितना प्यारा कलर आया इसका और कितने प्यारे हैं ये, और मैं इन्हें निकालने लगी हूँ आप ये देखें, और मैंने इन्हें निकाल दिया। अब ये मैं और डालती हूँ, इसी तरह हम निकाल लेंगे सारे पकौड़े। ये कढ़ी पकौड़ों वाली मैंने बनाई है, आप ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को कुकिंग विद नाज़नीन को लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।